दोस्तों, आप अभी जिस पक्षी को देख रहे हो वो दरअसल किंग फिशर पक्षी है। इसी ने जापान की बुलेट ट्रेन को विकसित करने में मदद की है, क्योंकि पहले जापान की बुलेट ट्रेन जब किसी टनल के अंदर से जाती थी और फिर बाहर निकलती थी तो बहुत ही तेज आवाज होती थी। लेकिन फिर जापान के वैज्ञानिकों ने पक्षी के ऊपर ध्यान दिया और देखा कि जब ये मछली पकड़ने के लिए नदी में गोता लगाता है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आती। और फिर इसी पक्षी के बॉडी को ध्यान में रखते हुए बुलेट ट्रेन को डिजाइन किया गया और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये तरीका काम आ गया। इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।